मैंने ताजरा के सदर मियां सईद जरगर ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शरीफ लोग हैं, किसी शहरी के घर फायरिंग का सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज्यादती की है, हम जमानत किसी सूरत नहीं कराएंगे। वाजे रहे कि गुज़श्ता रात रानमा सब्जी मंडी सांगला हिल मियां शाहत नईम के घर पर होने वाली फायरिंग का मुकदमा सदर अंजमन ताजरा और उनके बेटे के खिलाफ थाना सिटी में नामजद दर्ज कर दिया गया था। मियां सईद जरगर का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जनाबे अली, मेरी 72 एज हो गई आ, 70-72 साल दे विच मैनु कोई बंदा ये शहर दे विच कहे कि इस बंदे साडा को माल खा लिया, इस बंदे को साडी ज्यादती की, इस बंदे दे बेटे ने की, मैं 10 गुना देने वास्ते तैयार हूँ। कल रात जी साना ज्यादती हुई आ साडे प्यो पुत्तां दे नाल, असा परचा चल लिया, असा बेल नहीं करवाई तो नहीं करवानी। एक सब्जी मंडी जे शाहदा वा शाहद, उन्हें अपने घर फायरिंग करके ते साडे प्यो पुत्तां दे बतान लाता कि इन्होंने फायरिंग की थी। ते रात साढ़े ते परचा होया, हुण तक असा बेल नहीं करवानी तो नहीं करवानी, हक का हक फतह की फतह होगी इंशाअल्लाह ताला। सच्चाई की फतह, सच्चाई की है। अल अमरा दे विच अज तो साल पहला मैनू कायदे आज़म अवार्ड दिता गया, इस तो बाद मैं अमेरिका चले गया, उस तो बाद मेरे को अमेरिका तो बाद उन्होंने मैं किताब गली 10 जिलों के उन्होंने किताब भरी है। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या ये मैं कोई काम नहीं किया, आखिर तुम नहीं किया तो एजेंसियां सानू दस दें कि तुसा काम किए आ। उस मालिक का शुक्र हो जी जात का, अल्लाह ताला का एहसान आ, कल रात साढ़े परचा होया प्यो पुत्तां दे, ते इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होनी आ, बातल की नहीं होनी, चोर की नहीं होनी। असी बेकसूर हाँ, तुम दुआ करो कि रब सानू सुरखरू करे, ते ना असी कभी फायरिंग वाले गए हाँ तो ना असी करने तैयार हाँ।